फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड थायराइड डे के मौके पर हम जानेंगे, सांस की नली के सामने रहता है यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, ये वो थायराइड, मतलब अंडर एक्टिव थायराइड। जब थायराइड कम काम करता है तो क्या हो जाता है, तो क्यों ये काम कम करने लगता है? इसका उदाहरण ये है कि जैसे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती है या सफ़ेद पेशियाँ होती है, ये जो है बीमारी को मारने का काम करती हैं। लेकिन जब ये बीमारी के कीटाणु को मारते मारते नॉर्मल थायराइड सेल्स को भी अगर डैमेज कर देते हैं, तो तब थायराइड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसको हम ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ कहते हैं। थायराइड को निकाल दिया गया है या किसी कारण का कैंसर है और आपको गले में या हेड के ऊपर रेडिएशन दिया गया है, या जन्म से ही थायराइड किसी के शरीर में ना हो, जैसे कि शिशुओं में, बच्चों में पाया जाता है। तो कैसे पता चले कि आपको थायराइड है, इसके क्या लक्षण होते हैं? थायराइड में आपको ठंडी ज़्यादा लगना, चमड़ी का सूखापन यानी ड्राई स्किन होना, कभी गुस्सा, चिड़चिड़, क्रैम्प्स होना, हाथ पैर की नसों में नस चढ़ जाना, कभी कभी वजन बढ़ जाना 2-4 किलो, फेस का सूजना, आँखों का सूज जाना, बाल गिरना, कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन होना, इन तरीके की चीज़ें पॉसिबल हैं। कुछ लोगों में डिप्रेशन की शिकायत भी हो सकती है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, और बच्चों में कभी कभी इसकी वजह से हाइट भी कम हो जाता है। थायराइड हार्मोन के काम जो है बहुत सारे हैं शरीर में, इसीलिए इसको जांच करना इम्पॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम TSH बोलते हैं, और TSH करके आप अपने थायराइड स्पेशलिस्ट, जिसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको दिखाइए। इसके लिए डॉक्टर आपको एक टैबलेट देते हैं जो कि 1 रुपये से भी कम की आती है, और ये टैबलेट लेने से आपका लॉन्ग लाइफ रहता है, ना कि लाइफ लॉन्ग। लोग यूजुअली समझते हैं कि ज़िंदगी भर लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि किसी को आँख की कमज़ोरी है और हम चश्मा लगाते हैं बाहर से, वैसे ही जब थायराइड काम नहीं करता है, उसी तरीके से आपको थायराइड का हार्मोन टैबलेट के रूप में बाहर से दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।